गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठ गया, मोना भी उठ गई मेरे साथ। अभी 6:30 बज रहा है और अभी अभी पापा का गुड मॉर्निंग हुआ। गुड मॉर्निंग पापा, आज तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। मुंह तो दिखाओ। न्यूज़ ये है कि आज और कल स्कूल नहीं है। क्या सीन है? तो आज और कल एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दिया, नेस मोबाइल एग्जाम के मोबाइल लिए, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है नेस इसलिए। एग्जाम के लिए ट्रेनिंग होगा, इसीलिए स्कूल क्या आज नहीं हुआ? है। नेस नेस एग्जाम के लिए क्लास नहीं रहेगा। तो कल रात को मैसेज आया, तो पापा सो गया था रात को, इसीलिए पापा को ये न्यूज़ नहीं पता चला। सुबह स्कूल की तैयारी के लिए उठ गया, उठ के न्यूज़ सुना है। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। तो जितना भी पेंडिंग होमवर्क है वो 2 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो मैं अभी निकलूंगा जिम बाल भी में। कटवाना है इसका। अच्छा, हेयर कटिंग भी कराना है उसका, मेरा, दोनों का ही। तो हम लोग, मैं अभी जिम के लिए निकल जाऊंगा, आके फिर हम लोग जाएंगे हेयर कटिंग कराने। हाँ ओके। जिम से आके मैं थोड़ा घर का काम किया, क्योंकि सर्दी शुरू हो गया है, तो थोड़ा हल्का हल्का गर्म कपड़े निकालना पड़ा और हल्का सा एक पतला सा जैकेट भी लिया निकाला। तो और अभी मैं नहा के ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ। ब्रेकफास्ट में है मेरे लिए मसाला ओट्स। बहुत दिन से इधर उधर का बहुत सारा खाना खा लिया, तो सब सबका भुगतान करना पड़ेगा, अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट करके मैं निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। और पापा यहाँ पे एक बार भात खा के फिर से मेरे साथ मसाला ओट्स खा रहा है, पोर्क के साथ मसाला ओट्स। ये मैं जो खाता हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखिए सर्कस दिखाती हुई तीमी, मामा, ये देखिए कंटिन्यूअस सुबह से सर्कस दिखा रही है। ऑफिस में पूजा करके मैं जा रहा था माटीगारा, और यहाँ पे देखिए छठ पूजा का तैयारी शुरू हो गया है, घाट बनाया जा रहा है। ये महानंदा थर्ड ब्रिज है। छठ पूजा सिलीगुड़ी में बहुत जोरदार से मनाया जाता है, तो इसीलिए आज से ही शुरू हो गया स्नान से। मेरा कलेक्शन कंप्लीट हो गया और मैं फिलहाल हूँ HIG में, उत्तरायण। मैं अभी निकलूँगा क्योंकि बालासन ब्रिज टूटा हुआ था और रास्ते में जैम बहुत है, तो मुझे माटीगरा होके निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, साथ में रहिए, देखते रहिए। लंच करने के लिए हम लोग घर आ गए, और देखिए यहाँ पे पापा हेयर कटिंग कराया। देखिए ये हेयर कटिंग कर दी मोना, हेयर कटिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है मेरे बच्चा। तो एकदम अभी स्टूडेंट लाइफ जैसा बाल हो गया है। तो ठीक है, हम लोग लंच करते हैं, बहुत भूख लगा है। सुबह जो ओट्स खा के निकले थे, अभी तक कुछ नहीं खाए। सारा काम करके सारा दिन बाद थोड़ा ऑफिस में बैठे हैं। तो आज तो सुबह ही जिम गया था, इसलिए अभी जिम जाने का भी टाइम ज़रूरत नहीं है। तो अभी 6:30 बज रहा है, पापा आ गया ट्यूशन से, फ़ोन किया था मुझे। तो मैं अभी बैठा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स बाकी है, वो होने से मैं निकल जाऊँगा। तो देखते तब तक मोना का हो जाएगा तो मोना को लेके ही जाऊँगा एक साथ। ठीक है, देखिए साथ में घर जाके आप लोगों से फिर बात करते हैं। मैं घर पहुंच गया ऑफिस बंद करके, और पापा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहा है इंग्लिश ग्रामर। तो मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, पापा का क्लास में डिस्टर्ब होगा। तो थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे, डिनर के टाइम पे आप लोगों से बात करते हैं फिर। डिनर कंप्लीट हो गया, तो बीच में हम लोग खाए थे पनीर पकौड़ा जो मोना लेके आई थी सागर रेस्टोरेंट से। मोना आज गई थी सागर में फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे और पापा के लिए पकौड़ा लेके आई थी, वो खाए थे। और अभी थोड़ा सा राइस लिए, तो 10 बज गया, मुझे बहुत नींद आ रहा है, कल सुबह फिर से उठना है। तो आज मैं सो जाऊंगा,
इनफैक्ट हम लोग सभी सो जाएंगे, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स पे, और ज़रूर देखिए पूरा ब्लॉग्स देखिए। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।